ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कसौली में आयोजित हो रहे लीक फेस्ट, कुछ जाने माने लेखकों ने धारा 370 को लेकर जो टिप्पणियां की वे भाजपा को न गवारा गुजरी और उन्होंने सोलन में पूर्व सांसद की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर जम्मू से संबंध रखने वाली महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कश्मीरी पंडित रश्मि दत्त विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि देश का विशेष समुदाय देश को बांटने का कार्य कर रहा है जो कि बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। कसौली में आयोजित हो रहे लेट फेस्ट, कुछ जाने माने लेखकों ने धारा 370 को लेकर जो टिप्पणियां की वे भाजपा को गवारा नहीं लग रही हैं और उन्होंने सोलन में पूर्व सांसद की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाले महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कश्मीरी पंडित रेशमधर सूद विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश का विशेष समुदाय देश को बांटने का प्रयास कर रहा है जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज कसौली में जो लेखक पहुंचे हैं उनके विचार सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनका पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है और वे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए धारा 370 को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व सांसद व धारा 370 के राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र कश्यप और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेशम सूद ने कहा कि धारा 370 को लेकर जो टिप्पणियां कसौली लिट फेस्ट में की गई वे बर्दाश्त से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि लिट फेस्ट में उपस्थित ज्यादातर लेखक धारा 370 का समर्थन करते नजर आए और वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार जेएंडके के नागरिकों से माफी मांगे जो तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से जहां देश एक हुआ है वहीं विशेष समुदाय को उसकी हिमायत कर रहा है जिससे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल जो है वो पिछले दो दिनों से चल रहा है, वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं कुछ उन्होंने 370 का पूरा विरोध किया और विरोध के साथ साथ ये कहा कि केंद्र की सरकार जो है वो कश्मीरियों से माफी मांगे। अब ये मेरे समझ में नहीं आता कि वो किस मानसिकता के लोग हैं। वैसे मुझे लगता है कि जो लोग कसौली में लिटरेरी फेस्टिवल के नाम पर जो एकत्रित हुए हैं ये वही लोग हैं अधिकांशता जो इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कहा जा सकता है जो देश के टुकड़े करना चाहती है, आतंकवादियों को जो है प्रोत्साहित करना चाहती है, देश आगे बढ़े वो इस प्रकार की ताकतें जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठी होकर इस प्रदेश के माध्यम से जो है वो एक मैसेज जो है इस शांतिपूर्ण प्रदेश में बैठकर जो है वो अशांति को फैलाने का जो उन्होंने काम किया इसका भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। सभी को बोलने का अधिकार, अपने एक्सप्रेशन का अधिकार, अपने लेखने का अधिकार पूरा पूरा अधिकार है, परंतु अगर देश के टुकड़े करने की बात कहेगा, देश को तोड़ने की बात कहेगा, आतंकवादी जो देश को यानी मिलियामेट करने के लिए जो है वो तत्पर हैं उनको प्रोत्साहन करने की बात कहेगा तो इस प्रकार की आजादी इस देश के लोग मानेंगे ही नहीं और हमारा संविधान भी उसको मानता नहीं।